खंडवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की पनासा में अनेक घोषणाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पनासा में एक आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल चुनावी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने पनासा में अनेक घोषणाएं की। मुंदी और किलौत को तहसील का दर्जा देने की घोषणा। पनासा को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा। संत सिंगाजी समाधि धाम को धार्मिक पर्यटन का दिया दर्जा और 44 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आने वाले उपचुनाव में भाजपा का प्रत्याशी नारायण पटेल को जीत दिलाने के लिए अपील की। विकास के लिए वहां की जनता से अनेक वादे किए हैं। अब देखना यह है कि वहां की जनता किसके सर सहरा बांधती है। आप खुद सुन सकते हो खंडवा से जावेद खान एलजी की रिपोर्ट। अंदर लेने के बाद 12,000 लड्डू खाने के लिए गरीब बहनों को दिए जाएंगे। एक अमरनाथ मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था, तुमने गरीब बहनों के मुंह से लड्डू छीन लिए संभल के। तुमने लड्डू की योजना बंद कर, हमने कह दिया था मेरे बहनों और भाई, और आज मैं शुरू घोषित कर रहा हूँ कि मेरे वो बेटा बेटी जो गरीब परिवार में पैदा हुए, वो किसी जाति को हो किसी समाज के हो, क्या उनको पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? हमने कह दिया था बहनों और भाई, कैसे सारे बेटा बेटियों की फीस अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIT IIM में